हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 18x45। फ्रंट इसका 18 फिट दिया, लंबाई इसकी 45 फिट दी, जिसमें आपको कार पार्किंग के साथ में हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया है। अब मैं आपको इसकी 3D डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है, पूरा 18x45 में ओनली कम्प्लीटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल भी दिया गया है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कार पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से रैंप दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिल जाता है। गेट आपका 9 फिट का लगा है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कार पार्किंग एरिया दिख जाता है कुछ इस तरीके से, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 10x13। ये 10x13 का आपका कार पार्किंग एरिया दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 10x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से ओपन किचन दिख जाती है, देख सकते हैं। किचन के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई। किचन का फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 7x9। ये 7x9 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं आप 7x9। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया है। अगर आप सीढ़ियों का साइज कम ज़्यादा करना चाहते तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके 7x24 का स्पेस मिल जाता है। अगर आप डाइनिंग टेबल डालना चाहते हैं या बैठक बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जीने के नीचे लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको लैट्रिन बाथरूम के पर्पज़ से। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x13। 10x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 10x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। रूम के वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं। ये 2x4 का आपका स्पेस दिया, ऊपर मैंने जाल रखा हुआ है। लैट्रिन बाथरूम का रूम का फुल्ली वेंटिलेशन होता रहेगा। इस रूम का मैंने साइज रखा है 11x13। ये 11x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 11x13 का। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया है। यहाँ पे आप एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है 4x9। ये 4x9 की आपके लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है, देख सकते हैं आप 4x9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18x45 में कुछ इस तरीके से कार पार्किंग के साथ में ग्राउंड फ्लोर में 2BHK हाउस प्लान कम्प्लीट बना हुआ है। अब बात करते ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला। सेम साइज का दिया है, सेम प्रोसेस आपका बना हुआ पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये 10x13 का आपका रूम दिया, पीछे वाला रूम देख सकते हैं 11x13 का दिया है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है, जो कि आपकी 4x9 की दी हुई है। ये 2x4 का आपका OTS दिया हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन पर्पज़ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है। किचन के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका कार पार्किंग का एरिया था वहाँ पे मैंने रूम में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका मैंने साइज रखा है 10x13। 10x13 का आपका रूम दिया है रोड साइड से। बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिया और वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला है। छज्जा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, 2 फिट 2.5 फिट जितना भी आपको निकालना हो। पूरा आपका सेम प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ऊपर 3BHK हाउस प्लान कंप्लीट बना हुआ है, देख सकते हैं आप 18x45 में ओनली कंप्लीट अड्डी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं। बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस दिख जाती है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं 18 फिट में कुछ इस तरीके से बना हुआ है। कार पार्किंग के साथ में 5 बेडरूम हाउस प्लान कम्प्लीट है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।